नमस्कार, मैं डॉक्टर के गौतम, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना। मेरे पूर्व के व्याख्यान की कड़ी में मैं पुनः आज आपके समक्ष पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नैक्स के बारे में क्या खास बातें हैं शेयर कर रहा हूँ। यह विषय, जैसा कि मैंने मेरे पूर्व के व्याख्यान में स्पष्ट किया था, बीएससी थर्ड ईयर प्राणी शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए उनके प्रथम प्रश्न पत्र में सम्मिलित है। काफ़ी कुछ बातें मैंने पूर्व के व्याख्यान में स्पष्ट की थी। उसी कड़ी में आप यह देखिए कि जो पॉइजनस स्नैक्स होते हैं उनमें उनके डोर्सल सरफेस के ऊपर ये जो मैं मार्क करके दिखला रहा हूँ, ये स्केल्स हैं, प्रोमिनेंट होते हैं डोर्सल सरफेस के ऊपर। स्केल्स ऑन द मिडल ऑफ द बैक आर एनलार्ज्ड, अर्थात जो डोर्सल सरफेस होती है, पृष्ठी सतह होती है सांप की, उसके बिल्कुल सेंटर में जो डोर्सल सरफेस के मध्य के जो स्केल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, एनलार्ज्ड होते हैं, बड़े होते हैं, काफ़ी बड़े हेक्सागोनल होते हैं, षटकोणी होते हैं। तो ये होती है खास बात। दूसरे, उनके जो सिर वाला हिस्सा होता है पॉइजनस स्नैक का, एग्जांपल के रूप में आप क्रैब के अंदर देखिए, क्रैब का ये सिर है, इसमें फोर्थ इन्फ्रालेबियल इज लार्जेस्ट। फोर्थ इन्फ्रालेबियल जो होती है वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। देखिए, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है, और ये फोर्थ है। ये जो मैं मार करके बता रहा हूँ, ये फोर्थ इन्फ्रालेबियल जो होती है बड़ी होती है। और इसके अलावा आप ये देखें, ये इसके डोर्सल सरफेस और सिर वाला हिस्सा है, आप इतने से हिस्से को देखिए, इसमें क्रेत का जो शरीर होता है, जो उसका सिर का हिस्सा होता है, इसमें आप ये देखें, ये जहाँ पर मेरे पॉइंटर है इस समय, ये स्केल्स जो हैं लेटरल सरफेस पर दोनों काफ़ी बड़े होते हैं। इनसे छोटा बीच वाला होता है जो कि षटकोणी या पंचकोणी होता है। तो ये जो स्केल्स का ये अरेंजमेंट जो होता है वो पॉइजनस स्नैक की विषैले सांप की खास पहचान होती है। इसी तरह से इस डायग्राम के अंदर आप देखिए, ये थ्योरेटिकल डायग्राम है जिसके अंदर जो मैंने बातें बताई वो सारी कुछ इसमें सम्मिलित है। पॉइजनस स्नैक की जो पूंछ होती है वो पीछे से बहुत ज़्यादा शार्प पॉइंटेड होती है, सुई की तरह से नुकीली होती है, और जो नॉन पॉइजनस होता है उसकी फ्लैटेंड होती है, अर्थात चपटी होती है, चप्पू की तरह से होती है, चम्मच की तरह से होती है। तो ये नॉन पॉइजनस स्नैक की पूंछ है। इसी तरह से जो स्केल्स होते हैं पॉइजनस स्केल्स के, स्नैक्स जो स्केल्स जो होते हैं वो हेक्सागोनल होते हैं पीछे की तरफ से, और नॉन पॉइजनस स्नैक के छोटे होते हैं। और जो वेंट्रल सरफेस होती है पॉइजनस और नॉन पॉइजनस दोनों के, वो पैरेलल स्केल्स होते हैं, शल्क होते हैं। और ये कन्फ्यूजन होता है, वेंट्रल सरफेस को न देखें पॉइजनस और नॉन पॉइजनस में, दोनों में ऐसे ही दिखाई देती है। हेड का जहाँ तक सवाल है, पॉइजनस स्नैक्स का हेड जो होता है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, स्पष्ट होता है, स्पष्ट सिर दिखाई देता है। नॉन पॉइजनस में देखिए, स्पष्ट सिर का अभाव होता है। इसी तरीके से हमने यहाँ पर ये थर्ड इन्फ्रालेबियल स्केल जो है वो आँख से और नोज से नेजल एपर्चर से टच करता हुआ होता है, काफ़ी बड़ा होता है, तो यहाँ पर ही दिखाया हुआ है। और जो मीडियन स्केल्स होते हैं वो हेक्सागोनल होते हैं, षटकोणीय होते हैं, वर्टिब्रल स्केल्स भी इनको कहते हैं। आप ही देखिए, जैसा कि अभी मैंने क्रैब के अंदर दिखाया था वो ये, बाकी जो अगल बगल के स्केल्स हैं उनसे अलग होते हैं, स्पष्ट होते हैं, पृथक होते हैं। तो ये इन्फ्रालेबियल स्केल्स हैं और हेड प्रोमिनेंट है, ये पॉइजनस स्केल्स के, ये तीनों के तीनों डायग्राम पॉइजनस स्नैक्स की खासियत होती है। अब हम बात करते हैं पॉइजनस स्नैक्स क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। तो पॉइजनस स्नैक्स में कौन कौन से होते हैं, इसमें क्रेत है, कोबरा है, वाइपर है, ये पॉइजनस स्नैक्स में खास जो कॉमन पॉइजनस स्नैक्स हैं, क्रेत, कोबरा और वाइपर होता है। क्रेत का दूसरा नाम बंगेरस भी होता है, BUNGARUS, बंगेरस। बंगेरस में क्या होते हैं, इलॉन्गेटेड सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, इसके स्केल्स स्मूथी होते हैं, हेड नॉट डिफ्रेंशिएटेड होता है,
और इसके हेड नॉट डिफ्रेंशिएटेड होता है, अलग से इसका पहचान नहीं कर सकते बॉडी से, बाकी बॉडी से इसके, और नॉर्मल शील्ड होती है इसमें, और काजेज मोर डेथ एज कम्पेयर टू अदर स्नैक्स। और ये दूसरे सांपों के अपेक्षा बहुत ज़्यादा डेथ इसी के काटने से होती है। तो क्रेज जो है डेजर्ट के अंदर हमारे डीडवाना में, और जो रेगिस्तानी इलाके हैं जैसलमेर वगैरह, वहाँ पर डेजर्ट में शैंड में ये ख़ास तौर से मिलता है और लिव्स इन क्लूसिव, और ये जो कुएँ वगैरह होते हैं उनके अंदर जो उनकी दरार होती है, गैप होते हैं, खांचे होती हैं पत्थरों के अंदर, उनके अंदर ये आमतौर पर देखने को मिलता है। तो ये क्रेत का फोटो है जिसमें आप देखिए इसकी पूंछ बहुत पॉइंटेड है और सिर इसका स्पष्ट होता है, और ये क्रेत है। इसी तरह से पहचानने के लिए आप ये देखिए यहाँ बैकबोन रिजेस जो होते हैं, ये देखिए ये मैं फिर से मार्क करके दिखा रहा हूँ, ये बाकी जो यहाँ वाले स्केल्स हैं, ये बगल के जो दूसरे स्केल्स हैं उनसे ये काफ़ी बड़े होते हैं, प्रोमिनेंट होते हैं। वेंट्रल सरफेस इज वाइट, थर्ड एंड फोर्थ सुप्रा लेवल आर टचिंग द आई, और इसके जो थर्ड और फोर्थ सुप्रा लेवल जो होती है, जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया बताया, वो आँख से संपर्क में होती है, और ये कार्निवोरस होते हैं रैट, इनके भोजन जो होते हैं ख़ास तौर से इनका पसंदीदा भोजन रैट्स हैं, लेजार्ड्स हैं और अदर स्नैक्स होते हैं। इनका वीनम जो होता है न्यूरोटॉक्सिक होता है, अर्थात ये जब बाइट करते हैं शार्प दंस होता है, तो क्रेत के काटने से एनिमल या मनुष्य पैरालाइज हो जाता है, लकवा मार जाता है उसको, और ये आमतौर पर अंडे देने वाले अंडज प्राणी होते हैं, ये बच्चे नहीं देते हैं सीधे, ये अंडे देते हैं। तो ये इनकी कुछ खास बातें हैं। इसी तरह से कोबरा के बारे में आप समझिए, कोबरा को जूलॉजिकल नेम जो होता है इसका नाजा नाजा कहते हैं, और कोबरा या किंग कोबरा काला नाग के नाम से भी जाना जाता है, फाउंड इन द इंडिया, अफ्रीका, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनिया और इजिप्ट में ये पाया जाता है। इसके बॉडी कलर जो होता है वो ब्राउन से ब्लैकिश होता है, और 2 मीटर तक की लंबाई इनकी हो सकती है। ये इसका डायग्राम है, आप देखिए इसकी फ़ोटो है, रियल फ़ोटो है। ये डायगोनल होते हैं, ये शर्मिले प्राणी होते हैं, लिव्स इन होल, ये जो बिल वगैरह होते हैं उनके अंदर होते हैं, अंडर स्टोन पत्थरों के नीचे मड में या वेल में कुओं के अंदर ये देखने को मिल जाते हैं। ये लजार्ड्स को खाते हैं, छिपकलियाँ इनका मुख्य भोजन होता है, मेंढक इनके मुख्य भोजन है, चूहे और दूसरे स्नैक्स को भी ये खा लेते हैं। इनकी नेक डायलेटेबल होती है, और इनकी जो नेक होती है वो अलग से पहचान में आ जाती है, अर्थात ये सर्वाइकल रिब्स जो होती है इनकी वो बड़ी इलॉन्गेटेड होती है, मतलब लंबी हो जाती है। तो इनका जो नेक वाला हिस्सा होता है फ्लेक्सिबल होता है, और बाकी धड़ और नेक में डिफ्रेंशिएट करने में हेल्पफुल होता है, सहायक होता है। फूड एक्सपेंस ऑफ नेक, और इसका जो नेक होता है वो आगे प्रोलॉन्ग होकर के और आगे बड़ा होकर के फैल करके हुड या फन का रूप धारण कर लेता है, और सर्वाइकल रिब्स के फैलने से इसमें ये देखिए ये जो स्पेक्टेकल मार्क आप देख रहे हैं, ये इसका हुड है, ये इसका फन है, ये सर्वाइकल रिब के फैलने की वजह से ये बनता है। इसी तरीके से अब आप देखिए ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर, मोनोएक्सिलिक सिंगल मार्क होता है इसके अंदर, स्पेक्टेकल मार्क होता है ये, और सराउंडेड बाय एलिप्स बैंगल, जैसे कि वो चूड़ी होती है उस तरीके से, ये एलिप्टिकल चूड़ी हो उस तरीके से ये देखने को मिलता है। और नॉन सीलेट होता है, फाउंड इन राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश में पाया जाता है ये। इसकी थर्ड सुप्रा लेबियल टचेस विद आई, इसकी जो थर्ड सुप्रा लेबियल होती है, देखिए ये वाली जहाँ मैं मार्क करके दिखा रहा हूँ, ये थर्ड सुप्रा लेबियल आँख को, देखिए यहाँ पर ये थर्ड सुप्रा लेबियल आँख को टच कर रही होती है, और इधर ये नोज को टच कर रही होती है। और इसका जो वीनम होता है वो भी क्या होता है, न्यूरोटॉक्सिक होता है, अर्थात तंत्रिका तंत्र को पैरालाइज कर देता है। एनिमल जिसको ये खाता है, मारता है, काटता है, उसको ये पैरालाइज कर देता है जिससे आसानी से निकल सके।
इसी तरह से विश्व के लार्जेस्ट विनोमस स्नैक्स में से विश्व के ज़्यादा से ज़्यादा जो जहरीले सांपों की श्रेणी में गिना जाता है अगर किसी को, तो वो नाजा को गिना जाता है। तो नाजा या कोबरा, किंग कोबरा, ये हाईली विनोमस स्नैक्स की श्रेणी में आते हैं। इनके काटने से बहुत जल्दी डेथ हो जाती है, और वो उसका कारण क्या होता है कि इनके काटने से रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो जाती है, अर्थात रेस्पिरेशन चॉक हो जाता है, और रेस्पिरेशन चॉक होने की वजह से हाइपोक्सिया के कारण, जी घुटने के कारण, सांस बंद हो जाने के कारण एनिमल पैरालाइज हो जाता है और डेथ हो जाता है। इसी तरह से मनुष्यों को अगर काटता है तो मनुष्य पैरालाइज हो जाता है और वो मृत्यु हो जाता है। और ये सांप जो है कोबरा, ये विविपेरस होता है। इनकी क्या खासियत होती है, ये अंडे नहीं देता है, ये बच्चे देता है, और इसलिए इसको हम कहते हैं विविपेरस स्नैक्स होता है। अब हम बात करते हैं कि स्नैक काटता कैसे है, हाउ स्नैक बाइट्स। तो जब हम स्नैक को छेड़ते हैं, गुस्सा होता है, वो एनॉयड होता है, एग्रेसिव होता है, तो अपनी बॉडी को बढ़ा लेता है, लंबा कर लेता है, और हुड को फैला लेता है। हुड को फैलाने के बाद, फन को फैलाने के बाद, अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर, अप निशाने के ऊपर, शिकार के उस हिस्से पर जहां उसे काटना होता है, उस पर वो झटका मारता है, और अपनी पॉइजन ग्लैंड से, पॉइजन डक्ट्स के थ्रू, वो पॉइजन अपने शिकार में या मनुष्य के उस हिस्से पर जहाँ वो बाइट करता है वहाँ इंजेक्ट कर देता है, पॉइजन डक्ट से पॉइजन को रिलीज कर देता है। अब इस डायग्राम में हम आपको बताना चाहते हैं, ये जो होती है ये कंप्रेसिव मसल होती है, ये जो रेड कलर की है, इस मसल से यहाँ पर देखिए ये डक्ट है और ये है इसके पॉइजन ग्लैंड। तो ये मसल जब कंप्रेस होती है, दबती है, झटका मारती है, तो ये पॉइजन ग्लैंड के अंदर, जैसे किसी बैलून के अंदर या ड्रॉपर के अंदर, ड्रॉपर के पिछले हिस्से में कोई भी चीज़ हम कोई लिक्विड भर लेते हैं और उसको पीछे से दबाते हैं, तो ड्रॉपर के नोजल वाले हिस्से से ड्रॉप्स बड़ी तेज़ी से निकलती हैं पिचकारी के रूप में, धार के रूप में। तो ये पॉइजन जो डक्ट है, ये वीनम डक्ट जो है, इसके द्वारा ये फैंग होते हैं, ये पॉइजन टीथ होते हैं, ये दंश टीथ होते हैं जिनको फैंग कहते हैं, इनके अंदर से वो वीनम ग्लैंड, वीनम डक्ट पास होती है और इसके टिप पर वो खुलती है, जैसे कि किसी सिरिंज के मुख के ऊपर, सिरिंज के पॉइंट के ऊपर, सिरिंज में से जैसे ही इंजेक्शन हम किसी पेशेंट को लगाते हैं, वैसे एक बाइट के अंदर ये सारा का सारा यहाँ जो पॉइजन भरा हुआ है, उस डक्ट से अपने शिकार में या मनुष्य में इस फैंग, मतलब जो जहरीले दांत होते हैं, जहर वाले दांत होते हैं, इनसे शरीर में डाल देता है। ये देखिए यहाँ पर इस डायग्राम में हमने इसको इलाज किया हुआ है, ये वीनम है वाइट कलर का, और ये वीनम केनाल है, ये जो ट्यूब आ रही है, जो एरो दिखाई हुई है, ये देखिए ये एरो जो है, ये इसके थ्रू वीनम केनाल से वीनम की ये ड्रॉप यहाँ पर दिखाई हुई है, ये जो देखिए ये जो ड्रॉप है, ये जो ब्लैक कलर का हिस्सा दिखाया हुआ, ये फैंग का हिस्सा है, और इस तरीके से ये बाइट करता है। जब सांप को भय महसूस होता है या डिस्टर्ब किया जाता है, तो अपनी बॉडी को फैला लेता है, बड़ा कर लेता है, और हुड को फैला करके ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्राइक करता है, जहाँ इसको काटना होता है वहाँ स्ट्राइक करता है, झटका मारता है, और अपनी पॉइजन ग्लैंड से पॉइजन को छोड़ देता है। इसी तरीके से वाइपर के अंदर देखने को मिलता है, वाइपर फाउंड इन इंडिया, बर्मा, श्रीलंका, यूरोप और अफ्रीका। ये बर्मा, श्रीलंका, यूरोप और अफ्रीका, और इसके साथ साथ भारत में वाइपर देखने को मिलता है। ये वाइपर का आप फोटो देखिए, वाइपर के ये हेड वाला पार्ट है, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, और ये इस तरीके के स्केल्स होते हैं, इस तरीके की धारी होती है, ये रिंग्स इसके ऊपर होती है। और ये सांप जो है रॉक और बुशी रीजन के अंदर, जो झाड़ियाँ जहाँ पर होती हैं जंगल के अंदर या खेतों में, वहाँ पर रॉकी और बुशी रीजन के अंदर, मतलब झाड़ियाँ, कटीली झाड़ियाँ जहाँ पर होती हैं, उनके बीच में पाया जाता है। ये चूहों के ऊपर अपना फीड करता है, ये चूहे माइस, लेजार्ड्स और बर्ड्स को अपना शिकार बनाता है, ये इसका पसंदीदा भोजन है। क्या क्या, चूहे, चुहियाँ हैं, छिपकलियाँ और पक्षी, छोटे पक्षी। ये दो तरीके का होता है,
एक तो होता है पिटलेस रसल्स वाइपर और दूसरा होता है पिट वाइपर या हिमालयन वाइपर। पिटलेस के अंदर पिट नहीं पाया जाता है और अल्ट्रासाउंड ये जो साउंड होती है उसको अल्ट्रासाउंड को ये रिसीव करने के लिए पिट होता है इसके अंदर, और दूसरे जो कैटेगरी उसमें पिट नहीं पाया जाता है। और बिना पिट वाला जो वाइपर होता है वो हिमालयन रीजन में पाया जाता है, और जिसमें पिट होता है उसको कहते हैं रसल्स वाइपर। बहुत ज़्यादा घातक होता है, कलर इसका पेल ब्राउन होता है, इसका जो रंग है वो पेल ब्राउन कलर का होता है, और इसके टेल जो होती है वो शॉर्ट होती है। ये रात्रिचर होता है और ये विवीपेरस होता है, रात में ही निकलता है और ये विवीपेरस होता है। तो ये आज के इस व्याख्यान में मैं अभी ये कुछ पॉइंट्स मैंने शेयर किया है, और इसके बाद मैं दो और श्रृंखला में इस व्याख्यान को पूरा करूंगा। आज के लिए मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं। आप सबने धैर्य से इसको सुना, समझिएगा। बाकी के टॉपिक को मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा। थैंक यू वेरी मच।